मजवारा घोसी ब्लॉक के अंतर्गत मजवारा बाजार में किसान सेवा केंद्र डीलर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिला श्रम विभाग के अधिकारी बाबू जितेंद्र सिंह और उनके साथ बुलेरो गाड़ी में मौजूद लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा पेट्रोल पंप से रिश्वत के नाम पर 10 लीटर डीजल भरवा लेने पर मोबाइल पर 300 रुपए की मांग करने के संबंध में डीलर मंजू देवी का कहना है, मेरे पति से रिश्वत के नाम पर पैसा मांगा जा रहा था जिसकी शिकायत मैंने डीएम को कर दी है। इससे रिकॉर्डिंग मेरे पति के मोबाइल पर है और सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है। आनंदलाल जी, हाँ बताइए। हम टंकी पर हैं, तो आप इनसे बोल दीजिए 3000 रुपया दे दे और तेल भर दे इस गाड़ी में। अरे बात करिए, अरे कमाई है तो कौन अधिक आपसे ले रहा है, अधिक थोड़ा नहीं लिया जा रहा है। अरे हम लोग एक साल की बात है, थोड़ा बोलिए। हेलो, बात कर रहे हैं। हाँ अरे हम लोग खुद चेक से दे रहे हैं पेमेंट, आप कहाँ उतना कमाई रह गया, खुद कंपनी के गांव में डंडा डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा नहीं कहा जा रहा है आपसे। हमारी कमाई नहीं है इस समय, आप देख लीजिए। तब फिर क्या करिएगा, क्या करिएगा बोलिए। अरे बहुत 5 लीटर तेल भरवा दे रहे हैं। कितना? अरे तेल भरवा दे रहे हैं, उसमें कुछ देना तो पड़ेगा ही, आपको ऐसे कुछ नहीं चलेगा ना, सिर्फ सादा सादा नहीं चलेगा ना, तो हमेशा तो कहा नहीं जाता है आपसे। अरे तो कहाँ, आप सबसे उसमें देख लीजिए सभी से क्या करें। ठीक है, कुछ कम कर दीजिए, तेल डलवाइए 10 लीटर इसमें और दो उसमें, कुछ कम कर दीजिए तीन में, बात करो। हाँ हेलो, हेलो, हाँ अस्तो सा कहाँ हो गया? नहीं कहाँ गया, बाहर से आ रहे हैं। और क्या क्या पूछेंगे तब ना। हाँ क्या हुआ है आपके यहाँ पेट्रोल पंप पे? ये 21 तारीख को हम लोग थे, श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टर बाबू हमारे पेट्रोल पंप पर आए और हमें फोन किए, 3000 रुपया और 10 लीटर डीजल दिलवा दीजिए। तो हमने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, तो कहा कि नहीं ऐसे कैसे चलेगा, देना तो पड़ेगा। हमने कहा कि हम मऊ हैं, अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं और हम दे नहीं पाएंगे, तो कहा कि नहीं देना तो पड़ेगा। 10 लीटर डीजल भरा लिए और उसके बाद भरा कर चले गए। हमने तुरंत डीएम साहब को सूचित कर दिया, डीएम साहब के चोनो बाबू ने फिर फोन किया कि वहाँ पर हैं, तो हमने कर्मचारियों को फोन किया तो पता चला कि नहीं 10 लीटर डीजल भरा कर चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डीएम साहब उनको तलब किए हैं और आप तारीख, कल तो छुट्टी है 22 तारीख को, आप 23 तारीख को आपको डीएम साहब के कार्यालय में तारीख दे दीजिएगा। उन्होंने जाकर उनको तारीख दिया है, तो उन्होंने एसएचओ घोसी को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश जारी किया।